दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। लेक सिटी यानी कि हमारा उदयपुर, और उदयपुर में जाहिर सी बात है कि देश के खूबसूरत शहरों के अंदर एक है, और ये खूबसूरत शहर पूरे सिर्फ देश में ही नहीं विदेश के अंदर भी काफ़ी मशहूर है। लेक सिटी के नाम से मशहूर है, चारों तरफ झीलें, पहाड़ियां, हरी भरी पहाड़ियां, और वाकई बहुत खूबसूरत लगता है। और यहां देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। अब तक लेक सिटी में जो देसी विदेशी पर्यटक आते थे वो मुफ्त में आकर और इसकी खूबसूरती को निहार कर चले जाते थे, लेकिन अब हमारी नगर निगम की मेहरबानी से अब ये काम मुफ्त नहीं होगा। जी हाँ, इसके लिए अब टूरिस्ट को टैक्स चुकाना पड़ेगा, और ये टैक्स कितना होगा वो हम आपको आगे खबर में बताएंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जो भी देसी विदेशी पर्यटक, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, उदयपुर के बाहर से आते हैं और होटल में ठहरते हैं, तो उनको अब टैक्स चुकाना होगा। नगर निगम अब उनसे टैक्स वसूलेगी। ये टैक्स 3,000 रुपये से अधिक वाले रूम में रुकने पर लगेगा, यानी कि आप अगर 3,000 से कम के रूम में रुकते हो तब आपको ये टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रुकते हो तो आपको ये टैक्स देना होगा। गुरुवार को उदयपुर नगर निगम की विधि समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, और जल्दी इसके जो भी नियम हैं या उपनियम हैं तैयारी उसकी करी जाएगी और इसकी टैक्स वसूली की जाएगी। उदयपुर में शुरुआती तौर पर 3 कैटेगरी के आधार पर टूरिस्ट से टैक्स वसूला जा सकता है, और ये होटल की रूम की कैटेगरी के आधार पर होगा। जो समाचार, जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से हम आपको बता दें कि 3,000 से 5,000 तक के कमरों में ठहरने वालों पर 200 रुपया टैक्स लगेगा, यानी कि अगर कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो 3,000 से 5,000 के बीच तक के कमरे में ठहरता है एक दिन का, तो उसको 200 रुपये अलग से नगर निगम को टैक्स देने होंगे। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के कमरे में अगर रुकेगा तो 300 रुपये देने होंगे, और 10,000 से ज़्यादा के कमरे में अगर रुकेगा तो 500 रुपये टूरिस्ट टैक्स चुकाना होगा। 3,000 तक के रूम में ठहरने पर कोई भी टूरिस्ट टैक्स नहीं लगेगा। नगर निगम की विधि समिति की अध्यक्ष डॉक्टर सोनिका जैन ने बताया कि नगर निगम की बोर्ड बैठक में टूरिस्ट टैक्स लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत विधि समिति के 3 कैटेगरी में टैक्स वसूली का प्रस्ताव तैयार किया है। विधि समिति अब इसके लिए उपनियम की तैयारी कर रही है ताकि भविष्य में इसे लागू करके उदयपुर नगर निगम की आय में वृद्धि की जा सके। अब ये सही है या गलत ये उदयपुर की जनता बताए और आने वाले पर्यटक बताएं। हमारे पास में खबर आई, हमने आपको बता दी, सही है या गलत ये फैसला करना जनता का काम है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की ये खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।